पेट्रोल पंपों पर सुरक्षा इंतजाम सहित आपराधिक गतिविधियों पर लगाम लगाने के उद्देश्य से पुलिस ने रविवार को पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक आहूत की, जिसे पंप संचालकों की समस्या जानने के साथ ही पुलिस ने अपराधों में रोकथाम के लिए भी कई दिशा निर्देश दिए हैं। कंट्रोल रूम में आयोजित बैठक के दौरान शहर सहित शहर सीमा से लगे मुख्य मार्गों पर संचालित हो रहे करीब 18 पंप संचालक शामिल हुए। एसआई पदम सिंह ने सभी पेट्रोल पंपों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे आपकी सुरक्षा के साथ पुलिस को भी मदद मिलेगी, बचाव के लिए लाठी भी रख सकते हैं। किसी भी घटना के होने पर तत्काल पुलिस कंट्रोल रूम में अथवा संबंधित थाने क्षेत्र के पुलिस अधिकारियों को सूचित करें। इसके लिए पंप पर कंट्रोल रूम एवं क्षेत्र के थाने का नंबर चस्पा जरूर कराएं। रात के समय पंप पर कैश अधिक न रखें। दिन में भी कैश लाने ले जाने के समय सावधानी बरतें। संभावित वारदातों से बचने के लिए रोजाना एक रास्ते का उपयोग न करें। रात के समय पंप पर आवाजाही करने वाले वाहनों एवं चालकों की मोबाइल में तस्वीर जरूर लें। इसके अलावा बोतल में पेट्रोल ले जाने वाले की भी फोटो खींचें, जिससे उन्हें डर बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन। आपको बुलाया गया था, क्या समझाए थी किस तरह बैठक में आपने सुझाव दिए? आज की बैठक में कंट्रोल रूम में बैठक करी थी यार साहब ने, उन्होंने बताया है, बोल आए दिन वारदातें होती रहती है पेट्रोल पंपों पे, रिन्यूओं में, तो उन्होंने समझाइश दी है, बताया है कि आप अपने परिसर के वहाँ पर कैमरे लगाएं, कैमरे अच्छी क्वालिटी के होना चाहिए, आप अपनी सुरक्षा के लिए लठ रख सकते हैं वहाँ पर, वो जो भी सुविधाएं हैं वो सारी सुविधाएं रख लो। क्या नाम है आपका? हेमंत सोनी। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पे थाना कोतवाली और कोतवाली में ये खरगोन जिले के में आसपास के क्षेत्र के खरगोन के आसपास के पेट्रोल पंप मालिकों की मीटिंग ली गई थी, जिसमें पेट्रोल पंप मालिकों को सुझाव दिया गया कि अपने यहाँ कैमरे जो लगाए गए उनको उचित तरीके से दुरुस्त करके लगाएं और रोड को घेर के लगाएं, ताकि आने जाने वालों के क्लियरिटी दिख सके और जो केस का लेन देन जो होता है वो जो ले जाना होता है उसको सेफ्टी के साथ ले जाएं, उसके लिए रूट चेंज करें और ये भी बताया गया है कि उनको यदि आदमी बोतल में पेट्रोल लेने आता है तो उसको भी देने से पहले, या तो अर्जेंट वाला हो तो देने से पहले उसको फोटो खींच लें, ताकि वो उसके अंदर यदि कोई गलत करने की यदि चाह हो तो वो ख़त्म हो सके, ताकि वो कैमरे में आ गया फोटो खींच गए। ऐसे सुझाव दिए गए और पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर दिए गए, उनके मोबाइल में नंबर फिट कराए गए, ताकि और ये भी बताया गया है कि ये जो नंबर दिए गए वो अपने कर्मचारियों के मोबाइल में भी डालें और जितना हो सके सेफ्टी के साथ रहें, सुरक्षित रहें। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम पदम सिंह मौर्य, थाना कोतवाली। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।